हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, होप कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस आज ना हम लोग ना आउटिंग आ रखे हैं, तो मेरे साथ है मेरी फ्रेंड, ये रही, और ये हूँ मैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के रूम में, क्योंकि उसने हमें बुला रखा है आज। वो बाहर रूम लेकर रहती है ना, हम लोग तो हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ जाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? अभी रास्ते में पैदल पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था नहीं है दोस्तों यहाँ, क्योंकि बहुत ही गंदा इलाका है ये, इसलिए। तो मिलते हैं आगे जाके आप लोगों से। तो गाइस रास्ते में ना फालतू लोग मिलते रहते हैं, तो ये फालतू लोग मिल गए, घूम रहे थे यहीं, और कुछ काम नहीं है इनका गाइस। और एक और फालतू है, वो तो गाइस सलोमी हमको ना अकेले छोड़ के आ गई थी। अभी हम लोग ना रिंकी के रूम में आ गए। देखो कितना नीट एंड क्लीन है, वाओ नाइस। ये इसका किचन है। सलोमी और दीप्ति ना सामान लेकर आ गए। देखो दीप्ति यहाँ सामान लेने के लिए आई थी, चल आई। सलोमी मोमो बनाने की तैयारी कर रही है, और रिंकी भी, ये रिंकी के रूम पर आया आज, हमको रिंकी ने इन्वाइट करा था, तो ये लोग सामान लेकर आ गए। अभी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे गाइस फटाफट। ये देखो सलोमी अभी कैबेज को काटेगी। सलोमी बताएगी यहाँ स्टफिंग में क्या क्या डालेगा, करके बताओ जल्दी। पहले सलोमी ना गोभी को वॉश कर रही है, बिकॉज सी इज़ सो हाइजीनिक ना गाइस, दैट्स वाई। तो हम लोग मोमो में डालेंगे कैबेज, अनियन, जिंजर एंड करियंडर। सो अभी ना ये वॉश करेगी गाइस। ये हॉस्टल से बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक थी, वही अभी भी चल रहा है सलोमी का। गाइस अभी ना हम लोग मोमो बनाएंगे, तो मोमो की तैयारी कर रहे हैं। मैं ना आटा गूंद रही हूँ, सलोमी ना कैबेज को काट रही है, और दीप्ति वहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है। तो चलो फिर बनाते हैं ये, फटाफट आटा गूंद देती हूँ। मोमो का स्टफिंग ना तैयार कर दिया सलोमी ने, वो सी इज़ वेरी मेहनत। हम लोग के अंदर देखो, मैंने ना आटा गूंथ के तैयार कर दिया। सलोमी अभी भी लगी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन काम है ना, ये इसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो सलोमी कर रही है, दीप्ति को देखो बैठ रखी है सिर्फ। देखो रिंकी ने स्टफिंग कर दी है तैयार। रिंकी क्या बना रही हो आज? मोमोस। ओके देखते हैं। और ये देखो सलोमी को सफाई कर रही है वो मुकटों की, और इसमें अभी ना हमने ऑयलिंग कर दी, अब झाड़ू। तो गाइस अभी ना मोमो बनाते हैं, अब स्टफिंग रेडी हो गई, आटा भी गूंथ दिया था, तो अब बनाते हैं। रिंकी बनाएगी, दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती है। सलोमी सबसे ज्यादा काम कर रही है गाइस, ये नहीं, सी इज वेरी सोशल गाइस, सी इज वेरी सोशल गाइस। ये देखो हम सबकी मेहनत, सलोमी यहाँ पर स्टफिंग कर रही है, और मैं भी बेल रही हूँ, इससे बेल रही हूँ मैं। देखो गाइस ऐसा करना पड़ रहा है हमको, और दीप्ति यहाँ पर पे। आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होगे गाइस इसको काम करते हुए, अपने इतने यार क्या मेरे अपने अपने हाथों से। ये देखो कैसे बेल रही है रोटी। शिवांगी बहुत बोलती है। नहीं बेल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। दीप्ति वहाँ बेल रही है, तो अभी ये देखो हाफ बन चुका है, हाफ अभी बनाएंगे, और फोटोग्राफी कर रही गाइस रिंकी, तो दिखाते हैं आगे का उसके बाद। आया है देखो, पेल रहा था अभी, कैमरे को देखकर पेलना छोड़ दिया। अच्छा तो है पेलना, लड़कियों को भी खुशी होगी कि तू काम भी करता है करके। वो देखो पेल रहा था अभी तक, इसमें ना मोमो मोमो रख दिया, और यहाँ पर लोग देखो सब लोग बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं ऋषभ जी। अब बनने के बाद दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है? और ये चटनी की तैयारी भी कर दी है रिंकी ने, चटनी बनेगा फिर दिखा। तो गाइस फाइनली सारे मोमोज बन के तैयार हो गए, और रिंकी तुमने हमको इनवाइट करा, थैंक यू। कैसा लगा हम लोग आए आज तुम्हारे रूम पे? अच्छा लगा। ओके हम आते रहेंगे, हम जब भी बुलाओगी तुम। हमें भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब हम और आएंगे, फिर और बनाएंगे मोमो, ठीक है?
अब ये देखो सारा हो गया काम। सलोमी ने भी बहुत मेहनत करी गाइस, इसने सब्जी को इतने अच्छे से काटा ना, किसी को भी सब्जी कटवानी हो तो सलोमी को बुला लेना। देखो इतना टेस्टी चटनी भी बना दिया ये, तो बहुत ही अच्छा बना रखा है चटनी। तो खा के बताते हैं कैसा होगा। गाइस फाइनली मोमोज बन चुके हैं, तो अभी टेस्ट करके बताएंगे कैसे हुए। और रिंकी ने ना सूप भी बनाया है काफ़ी टेस्टी, और बिना ग्राइंडर के ना उसने चटनी भी बना रखी है, बहुत ही काबिले तारीफ। तो अभी हम सब लोग खाते हैं, और ये देखो ये लोग अभी सर्व कर रहे हैं, ये ऊपर से देख रही है, डालेंगे कब कब खाऊंगे ऋषभ है। आ जाओ ऋषभ खा लेते हैं, तो बन चुका है अब खाते हैं ठीक है गाइस। यहाँ पर दीप्ति आ रही है, वहाँ पर सलोमी, वहाँ पर ऋषभ, वहाँ पर दीप्ति आ रही है, वहाँ पर सलोमी, यहाँ पर रिंकी, गाइस फाइनली हमने ना मोमो खा लिए, बहुत ही टेस्टी थे। अब ना चक्कर आ रहा है और नींद आ रही है, काफ़ी अच्छे मोमो बनाए थे हम लोगों ने, सबने मिलके बनाए। और रिंकी ने ना सूप भी काफ़ी टेस्टी बनाया था, और ऋषभ भी आ गया था यहाँ फोगट का खाने के लिए, देखो इसको कितना घटिया क्या ना। हम लोग ना गाइस हॉस्टल जाएंगे, क्योंकि फिर हमको ना लेट हो जाएगा। तो रिंकी के रूम में आके काफ़ी अच्छा लगा आज, क्योंकि उसने इन्वाइट करा था हम लोगों को आज, तो थैंक यू रिंकी। अरे कहाँ हो तुम? बाहर। तो गाइस फाइनली रूम पे पहुँच गए थे, तो आज का दिन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। तो रिंकी के रूम पे गए थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करा, खाया पिया, तो संडे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा मेरा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग दोस्तों, ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। जो लोग भी नए जुड़े हैं चैनल में, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और मिलते हैं नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपकी मुस्कान बहुत ही खास है। और मैं कल ना घर जा रही हूँ, तो फिर घर जाके अब पिथौरागढ़ के ब्लॉग आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड गाइज़।